Hi Dr. Rachana Singh, welcome to you all to my educational channel. Today I will discuss about the abortion, mainly spontaneous abortion. Point of discussion: definition of the abortion, types of abortion, etiology or causes, and clinical features, definition, complication, and management of all the types of the spontaneous abortion, like threatened abortion, inevitable abortion, complete, incomplete. ज वन फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस एबॉर्शनज एक्सपल्सन आर एक्सट्रेक्शन फ्राम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो आर द फीटस वेइंग फाइव हंड्रेड ग्रामर लेस वैन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल जब एक फीटस या एम्ब्रियो फाइव हंड्रेड ग्राम या लेस है और वो बाहर में इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लायक नहीं है उसका एक्सपालसन एक्सट्रैक्शन होना दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एबॉर्टस जो एक्सपेल्ड और फीटस होता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द एबॉर्शन टू टाइप्स होता है ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड इंडियोसपॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप ही एबॉर्ट हो रहा है इंड्यूस मतलब जिसको किसी मेडिकल या सर्जिकल मेथड से एबॉर्शन किया जाता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ये आइसोलेटेड भी हो सकता है या रिकरेंट बार बार एबॉर्शन हो सकता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के सब टाइप्स थ्रीटेंड एबॉर्शन इनविटेबल कम्प्लीट इनकम्प्लीट मिस एंड सेप्टिक एबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड के टू टाइप्स हैं लीगल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज को बोलते हैं या इन जो क्रिमिनल होता है क्रिमिनल टाइप ऑफ एबॉर्शन जनरली जो इीगल इंड्यूस्ड एबॉर्शन है वो सेप्टिक में कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम केसेस में इट्योलॉजी और फर्स्ट इज द जेनेटिक फैक्टर्स इंडोक्राइन एंड मेटाबोलिक फैक्टर्स एनाटोिकल एबनॉर्मेलिटीज इन्फेक्शन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रीमेचोर अपचर ऑफ मेमरेंस इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड अनएक्सप्लेंड अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स फिफ्टी परसेंट अर्ली मैरिज अर्ली मिस कैरेज का काज होता है जेनेटिक फैक्टर्स इसमें क्या होता है ड्यू टू द क्रोमोजोमल एब ऑफ द कंसेप्ट इसकी वजह से होता है नेक्स्ट है एंडोक्राइन एंड मेटाबोलिक फैक्टर्स टेन टू फिफ्टी परसेंट केसेज में फर्स्ट है एल पी डी ल्यूटियल फेस डिफेक्ट इसमें क्या होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम क्रैफियन फॉलिकल्स ओवलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है उससे प्रोजेस्टान का सिक्रीशन कम हो पाता है डेफिशेंट प्रोजिस्टांसिक्रेशन होने की वजह से इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता जिससे कि ये अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं या फिर थायराइड एबनॉर्मलिटी हो ओवर हाइपो या हाइपर थायरिज्म हो इससे थायराइड आटो एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ये अबॉर्शन का काज करता है या फिर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस हो नेक्स्ट एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ मेनली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्स का काज होते हैं तो इसमें यूट्रो सर्वाइकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंस ये या तो कंजेनाइटल हो सकता है या एक्वायर्ड तो सर्विक्स क्या होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइटली क्लोज होता है और उसकी एक प्रॉपर मोर देन थ्री सेंटीमीटर उससे ज़्यादा लेंथ होता है बट सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में ये सर्विक्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होता लूज होता है जैसे कि जैसे फिटस का वेट बढ़ता है वो उससे निकल के बाहर आ जाता है सर्विक्स से या फिर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूटरस बाई कार इस डायग्राम में है सेप्टे ट्यूटरस अंदर में सेप्टा बना हुआ है या फिर यूट्राइन फाइब्राइड मेनली जो सब म्यूकस टाइप के होते हैं वो या इंट्रा यूटराइन एडहेशन जिसको सैनिकी बोलते हैं इंट्रा यूटराइन एडहेशन में पूरा अंदर में यूट्रस के जाले जैसे पूरा नेट के जैसे होता है पूरा अंदर में कोई जगह नहीं होता मेनली ये तो इन्फर्टिलिटी भी गाज करता है अगर कन, कंसीव कर भी जाता है तो ये ग्रो नहीं कर पाता फीटस एवॉल्ट हो जाता है नेक्स्ट है इन्फेक्शन तो जो मदर को इन्फेक्शन होता है वो या तो अर्ली केसेस में या लेट दोनों केसेस में अबॉशन का काज होता है तो इसमें फीटस में जो होता है ट्रांसप्लेसेंटल मतलब मदर का इन्फेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाता है तो इसमें वायरल हो सकता है पैरासिटिक या बैक्टीरियल किसी तरह का भी इन्फेक्शन ये मेन मेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हैं जो कि एबॉर्शन के काज करते हैं ए, फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर या आटो इम्यून या एलोमिन फैक्टर आटो इम्यून फैक्टर्स में फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट देयर ओन टिश्यू एंड प्लेसेंटा जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी को रिजेक्ट करते हैं एलोइम्यून फैक्टर्स में प्लेसेंटल एंटीबॉडी क्योंकि ये फॉरेन टू मदर्स होती है मदर के लिए ये फॉरेन फैक्टर्स होते हैं इन वो के प्रोटेक्टिव ब्लॉकिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नेक्स्ट प्री मेच्योर अपचर ऑफ द मेबरन ऑब्वियसली अगर प्री मेच्योर अपच्चर हो जाएगा मेम्बरन तो फीटस आउट हो जाएगा बाहर और एबॉट हो जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सिगरेट स्मोकिंग अगर सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा है तो क्या होता है इसमें ये कार्बो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है जिससे कि ऑक्सीजन कैरिंग जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर कम हो जाता है और ये अबॉसन का काज हो जाता है या फिर अल्कोहल और ड्रग्स केमिकल ऑक्सीऑक्सीजेंट ये भी कॉज करते हैं एबॉशन को एक्सरे रेडिएशन ज़्यादा हो रहा हो या एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स का यूज हो रहा हो या फिर कंट्रासेप्टिव एजेंट्स लाइक लाइक इंट्राउट्रेन डिवाइसेस इंस्टीट्यू अंदर में है उसी के साथ वो प्रेग्नेंट कर गई है तो प्रेगनेंसी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती इरीटेट करके उसको एबॉट कर देता है कुछ अनएक्सप्लेंड फैक्टर्स अनएक्सप्लेंड मतलब जिसका कि आ, कुछ कॉजेज एज इट इज नोन नहीं है बट वो कॉज करते हैं एबॉर्शन को यहाँ पे कुछ कॉमन कॉजेज ऑफ एबॉर्शन जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अलग अलग लिस्टेड है ये सब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कॉजेज एंड दीज आर द सेकेंड ट्राइमेस्टर के मेन कॉजेज फर्स्ट देखते हैं आप टाइप्स ऑफ एबॉर्शन थ्री टेंड एबॉर्सन फर्स्ट थ्री टेंड एबॉर्शन का मतलब कि ये डरा रहा है ऐसा एबॉर्शन जिसमें कि प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है बट ये इस स्टेज तक नहीं पहुंचा जहाँ से आप रिकवरी नहीं कर सकते मतलब यहाँ पे अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल मतलब प्रेगनेंसी आप प्रिजर्व कर सकते हो क्लिनिकल फीचर्स मिलता है इसमें सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स मिलते हैं ब्लीडिंग पीवी जनरली स्लाइट होता है और ब्राइट रेड कलर का और इसमें मोस्टली uh, पेन कम होता है या तो नहीं भी होता है माइल्ड क्या लोअर डल लोअर एबडामिन पेन मिलता है एग्जामिनेशन करने पे यूट्रस का साइज जो होता है पीरियड ऑफ एमरिया जितना होना चाहिए उसके करिसपॉन्डेंस में होता है एंड एक्सटर्नल लास्ट सर्विस को क्लोज रहता है और अल्ट्रासोनोग्राफी में वेल फॉर्म जस्टेशनल सेग जिस विध फीटस उसके इनसाइड में रहता है ऐसा मिलता है ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रीट बेड रेस्ट एंड सीडेशन अगर उसको ज़रूरत है तो बेड रेस्ट प्रॉपरली करवाना ही है उसकी एक्टिविटी को एटलीस्ट टू वीक्स के लिए लिमिट्स कर देना है कोइटस को, uh, को अवॉइड करना है और कोई हैवी वर्क नहीं करना है प्रोजिस्टान थेरेपी देना है अगर आर एस निगेटिव वूमेन है जिसमें कि पहले से उसको इम्यूनाइज नहीं है तो उसमें एंटी डी गामोग्लोबिल इंजेक्शन देते हैं एंड उस पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो भी वलवल पैड या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेल आउट होके आता है तो उसको इंस्पेक्ट करवाना है और अगर ब्लीडिंग या पेन एग्रीवेट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि तुरंत डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है और प्रेगनेंसी आप ट्रीटेंड एबॉर्सन वेरी अनप्रडिक्टेबल कितना मैनेज करने के बाद कई बार ये प्रेगनेंसी रुक भी जाती है और कई बार नहीं भी रुकती है नेक्स्ट इनएविटेबल एबॉर्सन इन एविटेबल एबॉर्सन मतलब ऐसा एबॉर्सन का प्रोसेस यहाँ तक पहुँच गया है ऐसे स्टेज तक कि जहाँ से कि रिकवरी पॉसिबल नहीं है इम्पॉसिबल है मतलब आप कुछ भी कर लो इस प्रेगनेंसी को आप प्रिजर्व कर, नहीं कर पाओगे तो क्लिनिकल फीचर्स मिलता है जो थ्रेटेन इबॉशन के पेन और ब्लीडिंग बट इसमें क्या होता है जो ब्लीडिंग था वो इंक्रीज होती जाती है पहले थोड़े से स्टार्ट होगा फिर ब्लीडिंग ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी और पेन भी बढ़ता जाएगा और जन जा, जो इसमें जितना विजिबल ब्लड लॉस है उसी के हिसाब से उसके जनरल कंडीशंस मिलते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन करने पे जो इंटरनल आस आफ सर्विक्स वो डायलेटेड मिलते हैं जिससे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट कंसेप्शन फील हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ इनिविटेबल एबोर्शन अप्रोप्रिएट मेजर अकॉर्डिंग टू द जनरल कंडीशन जैसा उसका जनरल कंडीशन मतलब जितना ब्लड लॉस है या जितना जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना है और जो भी एक्सपलसन हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट बाहर निकल रहा है उसको एक्सलरेट करना और बढ़ा देना है मतलब जो भी अंदर म्यूटो उसको इवेक्एट कर देना है बाय द डी एन सी आर द से एसे प्रोसेस करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो उसको करेक्ट करना है बाई द आई वी फ्लूड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नेक्स्ट है इसमें कंप्लीट एबॉर्शन कंप्लीट एबॉर्सन में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट है वो पूरा बाहर आ जाता है ये है प्रोडक्ट ऑफ पूरा बाहर आ गया है इसमें क्लिनिकल फीचर्स मिलता है कि हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ द फ्लैशी मास पर वेजाइना फॉलोड बाई जैसे पूरा मास बाहर निकल गया सब्सिडेंस ऑफ द एबडामिनल पेन एबडामिनल पेन ख़त्म हो गया वेजाइनल ब्लीडिंग या तो बिल्कुल खत्म हो गई या थोड़ा बहुत रहेगी इंटरनल एग्जामिनेशन में यूट्रस स्मॉलर दैन द दे पीरियड ऑफ एमिनोरिया एंड लिटिल फार्म थोड़ा फॉर्म भी हो जाता है सर्वाइकल आस क्लोज ब्लीडिंग स्ट्रेस आर नो एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपेल्ड फ्लेशी मांस जनरली फाउंड इंटैक्ट पूरा इंटैक्ट मिलता है इसमें इसका मैनेजमेंट अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है तो उसको एसेस करके ट्रीट करना है और अगर डाउटफुल केसेस है कि पूरा कम्प्लीट एक्सपल्सन हुआ है कि नहीं तो उसमें यूट्राइन क्यूरेटेज करते हैं और बाईर टी वी एस देख के ट्रांसविजानल सोनोग्राफीज पता कर लेते हैं अंदर में कुछ बच तो नहीं किया पूरा निकल गया है कि नहीं अगर आर एस निगेटिव वमन है तो उसको एंटेडी गमोग्गलोब्लिन इंजेक्शन देने हैं नेक्स्ट इज द इनकम्प्लीट एबॉर्सन एज नेम इंडिकेट इनकम्प्लीट जहाँ पे कि एबॉर्सन हुआ है बट कम्प्लीटली नहीं हुआ है इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस है कुछ पूरा एक्सपेल्ड नहीं हुआ है कुछ पार्ट अंदर में रह गया ये जैसे है, कुछ पार्ट अंदर में रह गया है ठीक है क्लिनिकल फीचर्स इसमें मिलता है इसमें एक्सपल्सन ऑफ द फ्लेशी मास पर वेजाइनम इसके निकलने के बाद पेन एंड ब्लीडिंग दोनों ही कंटिन्यूस हो रहा है और प्रोग्रेस बढ़ जा रहा है इंटरनल एग्जामेशन में यूट्रस का साइज स्मॉलर देन द दे पीरियड ऑफ एमिनोरिया जितना साइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जस्टेशनल जस्टेशनल्लेज उतना नहीं उससे कम मिलता है और सर्विक्स का आस पैचुलस मिलता है जिसमें कि फिंगर टिप को एडमिट करता है फिंगर टिप आसानी से अंदर डाल सकते हैं और ब्लीडिंग बैरिंग अमाउंट कम या ज़्यादा ब्लीडिंग इसमें मिलता रहता है मैनेजमेंट है इसका लाइक इनविटेबल एवर्सन मतलब उसको पूरा जो भी अंदर में बचा हुआ है उसको पूरा इवेक्वेट करके उत्टर से बाहर निकाल देना है तो, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करना है जो भी अगर पेशेंट को जनरल कंडीशन है उसको पहले इम्प्रूव करना है रिसोस्टेट पहले करना है उसके बाद एक्टिव ट्रीटमेंट उसको यूट्रस को अंडर जनरल एनेस्थीसिया आइदर बाय द डी एन ई एंड इवेक्वेशन और डी एन सी के द्वारा यूट्रस को इवेक्ुएट करना है और अगर लेट केस है बहुत दिन का हो गया है तो इसमें क्या करते हैं जो टिश्यू रिमूवड हुआ उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है मिस्ड मिस जबर्सन को साइलेंट मिस कह रहे जो अर्ली फिटल डेमाइस भी बोलते हैं तो जैसे मिस जोबर्सन में क्या होता है कि फीटस डेड हो के यूट्रस में ही बहुत टाइम के लिए उसमें अंदर ही पड़ा रहता है मिसड हो जाता पता ही नहीं चलता अंदर में पड़ा रहता है तो इसकी पैथोलॉजी जो होती है बियंड ट्वेल्व वीक अगर फीटस ट्वेल्व वीक्स से ज़्यादा है तो वो रिटन फीटस जो यूट्रस के इनसाइड है वो मैसीरेटेड या मोमिफाइड हो जाता है और जिस जितना उसका एमनेटिव फ्लूड हो पूरा एबजॉर्ब हो जाता है और प्लेसेंटा पेल थी ना मोस्टली वो कई बार क्या होता है एडहरेंट है उसमें चिपक के अंदर ही रहता है और अगर ट्वेल्व वीक से पहले का फीटस या ट्वेल्व वीक से कम की जस्टेशनल एज का है तो वो मोल ब्लड मोल और मोल फॉर्मेशन करता है तो कैसे फ्लैशी मोल या मोल बनता है उसकी पैथोलॉजी इसमें क्या होता है इस्माल रिपीटेड हेमरेज इन द कोरियोडेसिडुल स्पेस तो जो ये कोरियोडेसिडुअल स्पेस है पूरा ये है कोरियनिक विलाई कोरियानिक फ्रंडोशम और कोरियानिक लिवी और ये उसके ऊपर में होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस यहाँ नीचे डेसिडा बैल तो जो डेसिडुआ और कुरियन के बीच का स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है कंटिन्यूस छोटा थोड़ा थोड़ा हेमरेज होता रहता है जिससे कि जो विलाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आ, अपने वो जो वहाँ से अटैच वहाँ से हट जाती है तो इससे थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता रहता है जिससे कि अंदर में ब्लीडिंग तो कलेक्ट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से जो डेसिड या है वो रप्चर नहीं होता है तो जो ओवम हो जाता है कलेक्टेड ब्लड विथ कंटेंट ओवम ये पूरा इसी को बोलते हैं ब्लड मोल और इतने टाइम तक क्या होता है बाई दिस टाइम फीटस या ओवम जो भी वो डेड हो जाता है ओवम है डेड हो जाता है और जो उसके फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का जो ओवम के चारों तरफ सराउंडिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो वॉल भी फ्लैशी हो जाता है इसलिए इसको बोलते हैं बाद में फ्लैशी मास आर कार्नुअस मॉल क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं इसमें थ्री टेनबॉशन जैसे कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लीडिंग और पेन होगा बाद में ब्राउनिश वेजानल डिस्चार्ज या फिर जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे सब्सिडेंट्स ख़त्म होने लगते हैं ब्रेस्ट चेंजेस जितने भी थे वो रिग्रेस होने लगते हैं फिर जितना भी यूट्राइन ग्रोथ थे वो सीजेशन होने लगा और धीरे धीरे -दी यूट्रस की साइज स्मालर होते जाएगी जो भी पीरियड ऑफ जेस्टेशन है उसके हिसाब से कम होती जाएगी और अगर एफ पहले हर्ड हो रहा था तो अब नहीं सुनाई देगा और सर्विक्स फॉर्म हो जाता है और जो भी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इम प्रेगनेंसी के लिए कराते हैं वो निगेटिव आता है और अल्ट्रासोनोग्राफ़ी में ये सैक एम मिलता है फीटल मोमेंट नहीं मिलेगा ना तो कोई फीटल हार्ट मोमेंट इनके ऑफ द लेटर प्रेगनेंसी नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं लाइक इंट्रा यूट्राइन जो डेथ होते हैं उसके जैसे इसमें कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं बट यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर थोड़े कम होते हैं तो मैनेजमेंट करना है इसका अगर यूट्रस ट्वेल्व वीक से कम का है तो इवेक्वेसन करना है जल्दी जल्दी डिले नहीं करना है डी एनी डाइलेटेशन एन इवेक्एशन करना है अगर ट्वेल्व वीक्स के ज़्यादा है तो डेथ डेथफिटस के जैसे ही उसको इंड्यूस्ड करना है बाई ऑक्सीटोसिन और टोस्टाक्लैंडिन के द्वारा इंड्यूस्ड करके तब उसको बाहर निकालना है नेक्स्ट इज द सेप्टिक एबॉर्सन सेप्टिक एबार्शन होता है कि किसी भी टाइप का एबॉर्सन जहाँ पे कि इन्फेक्शन हो जाए क्लिनिकल एविडेंस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स क्लिनिकल क्राइटेरिया इसमें होता है राइज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर एटलीस्ट वन हंड्रेड पॉइंट फोर डिग्री फॉर एन हाइट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स या मोर ऑफिस ऑफेंसिव पुरलेंट वेजानल डिस्चार्ज मिलता है और एविडेंसिस ऑफ द पेल्विक इन्फेक्शन लोअर एबडामिन पेन एंड टेंडरनेस क्लिनिकल फीचर डिपेंडिंग अपन द सीवियरटी एंड एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन पायरेक्सिया पेन एबडामिन राइजिंग ऑफ द पल्स रेट वेरिएबल सिस्टमिक एबडामल फाइंडिंग एंड इंटरनल एग्जामिनेशन में ऑफेंसिव पोलेंट वाइजनल डिस्चार्ज यूट्रस टेंडर आप उसको यूट्रस को ड्यूरिंग पी वो पेनफुल होता है पेशेंट आपको फील करने मतलब फील पेशेंट को बहुत पेन होता है अगर आप उसको टच करते हो तो एंड पैचुलस ऑश जो एक्सटर्नल आपसे पैचुलस मिलता है और बोगी फील ऑफ द यूट्रस एंड वेरिएबल पेल्विक फाइंडिंग्स इसमें ग्रेडिंग है क्लिनिकल ग्रेडिंग ग्रेड वन टू थ्री अगर लोकलाइज इन्फेक्शन यूट्रस में तो ग्रेड वन इन्फेक्शन का यूट्रस से और आगे स्प्रेड हो गया है उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है पैरामेट्रम वगैरह में तो उसको ग्रेड टू और अगर जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटी uh, से एंटोटॉक्सिक शाख तक हो गया दैट इज द ग्रेड थ्री नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लिकेशन सेप्टिक एबॉशन का इमीडिएट हिमरेज है इंजरी टू डूट्रस एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जन हो सकता है पेरोटेनाइटिस शॉक सॉक एक्यूट्रीनल फेल्योर या थ्रम्बोफेलियस और रिमोट मतलब बाद में इसके जो कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं क्रोनिक डेबिलिटी क्रोनिक पेल्विक पेन एंड बैक लगातार उसको बैक एक एंड पेन पेल्विक पेन मिलता रहेगा डिसोनियर पेनफुल कोइटस इमोशनल डिप्रेशन और चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोर एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्योंकि जो ट्यूब होता है ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इन्फर, भी मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन इसमें हाई वेजाइनल या सर्वाइकल स्वैप फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी देखने के लिए किस टाइप का इन्फेक्शन बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ब्लड रूटीन कल्चर इलेक्ट्रोलाइट कोगलोशन प्रोफाइल एंड यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर सेंसिटिविटी अल्ट्रा में देखेंगे कि इंट्राउटेंट प्रोडक्ट uh, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट है वो रिटेन मिलेगा इसमें फाइसोमेट्रा फॉरेन बॉडी फ्री फ्लूड इन द पेरिटोनियल कैविटी कविटीआर पाउच ऑफ डगलस में, में मिलता है ये सब सारे सेप्टिक सेफ्टी के केसेस में मिलते हैं मैनेजमेंट कैसे करना है हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है और सेप्सिस को कंट्रोल जो भी इन्फेक्शन उसको कंट्रोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से जो भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से करना है जो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उसको रिमूव करना है और जो सपोर्टिव थेरेपी देना है ताकि वो नॉर्मल में आ सके वापस नेक्स्ट है रिकरेंट मैन मिस कैरेज जो कि जहाँ पे कि थ्री आर मोर कंजिक्यूटि लगातार तीन से या उससे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया है बिफोर द ट्वेंटी वीक्स ऑफ एज उसको बोलते हैं रिकरेंट मैन मिस कैरेज ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी सेकेंडरी मतलब जहाँ पे प्रीवियस वायबल कोई उसको बच्चा फीटस है बाद में उसको लगातार तीन बार या उससे ज्यादा मिसकैरेज हो गया इसके है इसके एटियोलॉजी होते हैं वहीं सेम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेनेटिक फैक्टर्स इंडोक्राइन या मेटाबॉलिक फैक्टर इन्फेक्शन थ्रम्बोपीलिया थ्रम्बोफीलिया इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज या अनएक्सप्लेन या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके एनाटोमिकल यामेल्टी एक्वायर्ड यूनिकार्नोएट बाई कार्नोट सेप्ट डबल हो सकते हैं या ये इंट्रा यूट्रेन एडेशन साइनिकी यूट्रेन फाइब्राइड या एंडोमिस या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रॉपर आपको थारो हिस्ट्री लेनी है हिस्ट्री टेकिंग एंड मेटिकुलस एग्जामिनेशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर करना है ब्लड ग्लूकोज ए बी आर एच ग्रुपिंग दोनों हस्बैंड वाइफ का करवाना है वी डी आर एल थायरॉइड फंक्शन टेस्ट टाक्सो प्लाज्मा एंटीबॉडी आई जी जी आई एम इसका पूरा टेस्ट करना है ऑटो इम्यून स्क्रीनिंग आ, सीरम एल एच ऑन डे वन टू डे थ्री ऑफ द साइकिल में यू एस जी करके देखना है कि कोई कंजेनाइटल मॉल फार्मेशन ऑफ़ यूट्रस या पी सी डी ऑफ फाइब्राइड तो नहीं है एच एस जी फेज में करके देखना है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस तो नहीं है यूट्राइन की तो नहीं है फिर हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी से भी करके जो भी एच किया और उसको अच्छे से देख सकते हैं कैरियोटाइपिंग हस्बैंड एंड वाइफ की इंडो सर्वाइकल स्वाइब टू लेके देखना है उसको भेजना है कि उसमें कोई क्लेमाइडियल माइक्रोप्लाजमा या बैक्टीरियल वेजिनोसिस तो नहीं है नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में प्री कंसेप्शन कंसेप्शन से पहले क्या ट्रीटमेंट करते हैं कपल की काउंसलिंग करते हैं काउंसलिंग करने से उसको जो भी एनजाइटी है या उसकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है एनजाइटी जो भी उसको हटाना है हिस्टोस्कोपिक रिश्रक्शन ऑफ़ द जो भी सेप्टा या सैनिकी या सब म्यूकस मायोमास है उसको हिस्टोस्कोपिक हटा देना है या फिर जो बाईक ट्यूट्रोस मेट्रोप्लास्टी द्वारा ठीक कर देना है जहाँ पे क्रोमोजोमल एब्नॉर्मेलिटी है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी में या तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या प्रीनेटल डायग्नोसिस इन सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी विद द डोनर गैमिट स्पम या उस डोनर से लेके करना है इंडोक्राइन डिसफंक्शन में जो भी आपका डायबिटीज या थायराइड है उसको कंट्रोल करना है बाई द मेडिसिन उसको ट्रीट कर देना है फिर जहाँ पे भी एल एच का हाइपर सिक्रेशन है जैसे पी सी एस में तो उसमें जी एन आर एच एनोलॉग दे के उसको सप्रेस कर देना है फिर ओवलेशन इंड्यूस इंड्यूस्ड करना है गोनाइडोटॉफि के द्वारा या जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो जो भी इन्फेक्शन उसके हिसाब से उसको ट्रीट कर देना है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको रेस्योर करना है एंड टी टेंडर लविंग केयर देना है जिससे कि उसका स्ट्रेस रिमूव होगा और यूट्राइन ब्लड फ्लो अच्छा इंप्रूव होगा जिससे उसकी प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू होगी यूएसडी करके देखना है अर्लीस्ट डिटेक्ट करना है वाइबल प्रेगनेंसी है कि नहीं फिर उसके बाद रेस्ट देना है उसको कोई भी ज़्यादा स्टर्नियस एक्टिविटी नहीं करनी है इंटरकोर्स एंड ट्रैवलिंग नहीं करनी है जहाँ पे ल्यूटियल फेस डिफेक्ट वाले केसेस है वहाँ पे नेचुरल माइक्रोनाइज प्रतिष्ठान एंड एच ये थेरेपी देना है एंटी फासपोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है वहाँ पे लो डोज एस्प्रीन देना है फिर उसके बाद होता है आपका जहाँ पे भी सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है वहाँ पे सर्कलेज ऑपरेशन के द्वारा उसको ट्रीट करना है एलो इम्यून डिसऑर्डर्स है आई वी आई जी इन्फ्यूजन करना है इनहेरिटेड थ्रम्बोफीलिया है लो मालिकुलर वेट हिपेरिन देना है सबक्यूटेनियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जो भी अगर कोई उसके हिसाब से जैसे डायबीवलाइटिस हो गया थायराइड हो गया या जो भी उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना है उसके हिसाब से उसको मेडिसिन देना जहां है जहाँ पे अनएक्सप्लेंड केसेस है वहाँ पे टेंडर लविंग केयर उसको सपोर्ट प्यार से इमोशनल सपोर्ट और सब देना है एंड जो कुछ सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस ऑपरेशन कम्प्लीट होता है मैं नेक्स्ट क्लास में इंड्यूस्ड ऑपॉर्सन या एम टी पी एक्ट लूँगी थैंक यू प्लीज शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फॉर द अपकमिंग लेक्चर लेक्चर्स थैंक